नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक और सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले राजस्थान के सियासी रण की करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है राजस्थान की सियासत के लिए। हाईकोर्ट पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुनाने वाला है और इसके बाद सूबे की सियासी तस्वीर बहुत हद तक साफ भी हो जाएगी। उधर अशोक गहलोत सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और अपना दम विधानसभा में दिखाना चाहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये बात है कि पायलट गुट अभी पूरी तरह खामोश है। राजस्थान का सियासी ड्रामा अदालती स्टेज पर हिचकोले खा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोई राहत नहीं दी। अब एक बार फिर सारी निगाहें राजस्थान हाई कोर्ट पर टिक गई हैं। अदालत आज 19 बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाएगी, जिसके बाद आगे ये साफ हो जाएगा कि बागी विधायक अयोग्य होंगे या नहीं। तो जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोग हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवीन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को कोई राहत नहीं दी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अगर आज हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिलती है तो गहलोत संकट में पड़ जाएंगे। अगर पायलट गुट की याचिका खारिज होती है तो गहलोत सरकार के लिए संजीवनी साबित होगी। इस 50-50 के चांस में मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है कि हाईकोर्ट का फैसला जो भी हो, अब असली फैसला विधानसभा में ही होगा। लिहाजा पिछले 10 दिनों में वो तीसरी बार गवर्नर से मिले। खबर है कि सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। हम उम्मीद है कि जो लोग बंधक बना रखा है, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकले हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। हालांकि फ्लोर टेस्ट में गहलोत के लिए जोखिम भी बहुत है। एक दो विधायकों के इधर से उधर होने पर सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत पहले किसी विधेयक के जरिए अपनी ताकत का अंदाजा लगाएंगे और उसके बाद ही बहुमत साबित करने का रिस्क उठाएंगे। इस बीच होटल विधायकों की मस्ती सरकार की छवि खराब कर रही है। शायद इस वजह से भी सरकार जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहती है। जो सियासी संकट है सबको पता है क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है धनबल के आधार पे, ईडी इनकम टैक्स से डरा करके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा। उधर बीजेपी एक बार फिर दावा कर रही है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। दरअसल बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और वही पुराना राग अलाप रही है कि झगड़ा कांग्रेस के घर में है। जिनको डर होता है, जिनको भय होता है, जिनको संकट होता है और जो अल्पमत में होते हैं उनको चिंता है, वो बाड़े में रखे हैं। बड़ी मुझे आशास्पद सी बात लगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा चट्टान की तरह डटे रहो, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जब तक हमारा मिशन सफल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ होटल में रहेंगे। तो जनता समझ सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं है, आवश्यकता रहेगी। अशोक गहलोत एक तरफ ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा पूरी तरह से खामोश है। पायलट गुट की यही खामोशी अशोक गहलोत को खाए जा रही है कि कहीं फेयर माउंट होटल के बाड़े बंदी में कोई सेन तो नहीं है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। सीरिया के आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया और इस बार ये तनाव दो अमेरिकी फाइटर जेट्स के ईरान के यात्री विमान के पास जाने को लेकर हुआ। दरअसल ईरान का एक पैसेंजर प्लेन सीरिया के स्पेस से होकर उड़ान भर रहा था, तभी दो फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास आ गए। हादसे से बचने के लिए विमान के पायलट ने ऑल्टीट्यूड बदला, जिसके चलते विमान के अंदर कुछ यात्री घायल हो गए, कुछ बेहोश होकर विमान के फर्श पर गिर गए। ये विमान तेहरान से बेरूत जा रहा था। फिलहाल
ईरान ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पैसेंजर विमान के अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए पैसेंजर्स के जहन में किस तरह से खौफ साफ नजर आ रहा है, डर। फाइटर एयरक्राफ्ट नजदीक आ गए इस यात्री विमान के, अचानक ऑल्टीट्यूड बदलना पड़ा यात्री विमान के पायलट को, लेकिन देखिए किस तरीके से चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा है। ईरानी पैसेंजर विमान की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों में भी एक तरीके से खौफ, जो कि इस विमान में सवार थे, चेहरे पर साफ नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम आपको बिहार में बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर से आई ये डरा देने वाली तस्वीर आप जरूर देखिए। नदी के निचले इलाकों में या फिर गांव में आपने बाढ़ देखी होगी, लेकिन सीहोर के मेन बाजार का हाल क्या है वो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। शहर के मुख्य बाजार में बाढ़ के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दोपहिया वाहन इसमें बहने लगे। लोगों के लिए अपने दोपहिया वाहन को बचाना मुश्किल हो गया, 3 फुट तक पानी बाजार में भर गया। और धार देखिए कितनी तेज है, ये मेन बाजार है सीहोर का, जिसके बीच से निकलता हुआ सब कुछ चीरता हुआ पानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसमें भारी भरकम वाहन भी बचा पाना काफी मुश्किल हो रहा है। ये शख्स किस तरीके से अपनी बाइक को संभाले हुए हैं, लेकिन धार इतनी तेज है पानी की कि डर कहीं ये बाइक बह ना जाए। मध्य प्रदेश के बाजार की, सीहोर के बाजार की ये तस्वीर। छिंदवाड़ा में सेल्फी का शौक दो लड़कियों को भारी पड़ गया, दोनों पिकनिक के दौरान पेच नदी के ठीक बीचों बीच चली गई और चट्टान पर सेल्फी लेने लगी, लेकिन इसी दौरान पानी अचानक से बढ़ गया, दोनों तेज बहाव में फंस गई और बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन दोनों को वहां से बाहर निकाला। तो नदी के बीचों बीच सेल्फी का क्रेज इतना ज्यादा कि भूल गई कि कभी भी पानी बढ़ सकता है। पिकनिक मनाने गई थी, लेकिन उस बीच सेल्फी का क्रेज इतना ज्यादा कि नदी के बीचों बीच चले गई और ये भूल गई कि जहां पर वो है पानी कभी भी बढ़ सकता है और उनकी जान भी आफत में आ सकती है। और हुआ बिल्कुल वैसा ही, धार इतनी तेज आई कि दोनों लड़कियां बीचों बीच फंस गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने देख लिया, मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से उनको वहां से बाहर निकाला गया। बाढ़ तबाही, नदियों का सैलाब, इन दिनों उत्तर भारत में कई राज्य इन्हीं संकटों से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर हालात हैं बिहार में। एक तो मूसलाधार बारिश और फिर नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार में संकट और गहरा गया है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 10 से ज्यादा जिलों में मुसीबत टूट पड़ी है। बिहार में उफनती नदियां, गहराता संकट, नदियों में बढ़ता जलस्तर, पीड़ितों में कम होता विश्वास। सैलाब ने जिंदगी को सबसे बड़े संकट में डाला। चूरा हो गया, अपना सूखा खान रखे हुए हैं, एक खा पी कर रहते हैं। हाहाकारी बाढ़ से परेशान उत्तर बिहार, लाखों की आबादी पर संकट, सोती सरकार, कुछ नहीं मदद सर मिला है। आप बीच कोसी में फंसे हुए हैं? हाँ, बीच कोसी में फंसे हैं। एक दो साल, 3 साल या 4 साल की बात नहीं, कई साल से ऐसा ही हाल है उत्तर बिहार में बाढ़ का। राजनीतिक पार्टियां सत्ता संभालने में मशगूल रहती हैं, जनता बरसात में
अपनी बर्बादी का इंतजार करती रहती है। 2008 की भीषण बाढ़ देख चुका है कोसी का इलाका। तब कोसी ने रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन अब की एक तस्वीर भी देखिए, हालात बिल्कुल नहीं बदले। कोविड-19 हो, बाढ़ हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बद से बदतर स्थिति जो है वो हो चुकी है। जो विभाग के मंत्री है, सिंचाई मंत्री, वो नहीं नजर आ रहे हैं, वो गायब है, बल्कि उनका घर है, उनका क्षेत्र है। तो ये दिखाता कि उनको गरीबों की चिंता नहीं है, लोग मर रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता। ये बिहार की बदकिस्मती है और उसी बदकिस्मती का शिकार हो रही है लाखों की आबादी। कमोबेश उत्तर बिहार का एक जैसा हाल है। सहरसा की यह तस्वीर देखिए। सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर चानन, कबीरा, अलानी, सामरखुर्द जैसे पंचायत में हालात बहुत खराब हैं। स्कूल पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। आवाजाही सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ के पानी से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। किसान का रोपाई किया गया धान पूरा डूब गया है। नदी में पानी से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। इसी के महिषी प्रखंड में भी बाढ़ ने बर्बादी शुरू कर दी है। नजरें जहां तक जाएं, पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। घर गृहस्थी का सारा सामान नाव के सहारे ढोया जा रहा है। उफनती लहरों के बीच से जान जोखिम में डालकर ये लोग सफर पर निकले हैं, लेकिन कई बार वे पस्त हो जाते हैं। इलाके के लोग बेबस हैं। जिंदगी घुटने भर पानी में ही काटना इनकी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मुरली गांव का मुख्य सड़क मार्ग है, जो कि अन्य गांव को भी जोड़ता है, जहां लाखों की आबादी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कोसी में पिछले 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि हुई है, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो नेपाल की तरफ से आया है, उसके बाद कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी, जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है। दरभंगा शहर के अंदर का हाल देखिए। सदर थाना टापू बन गया है। पुलिस वालों को भी नाव का सहारा है या फिर उनकी तेज रफ्तार जीप कई बार मददगार हो जाती है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का कहर टूटा है। 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। इस मुसीबत के बीच जुगाड़ टेक्निक के सहारे जिंदगी कट रही है। जिला के बिथान, हसनपुर सिंधिया और कल्याणपुर प्रखंडों में 25 से ज्यादा गांव सैलाब से घिर चुके हैं। घर सब डूब गया है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बांध पर जा रहे हैं, जो है कि बांध पर कैसे गुजारा करेंगे। देखिए, बारिश भी होता है और लीचा भी यहाँ दाहर हो गया है, दहनाल में आप डूब रहे हैं, बाल बच्चा भी डूब रहा है। बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी रिसाव किया, इसलिए पानी घर में घुस गया। और ये हर साल का नियम है सर, पहली बार नहीं, हर साल पानी घुसता है यहाँ। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर टूटा है। कई दिनों से जिंदगी बेबसी के साथ कट रही है। कहाँ जाएं, किससे गुहार करें, किससे मदद मांगें? इलाके के लोगों के लिए ऐसा मंजर पहली बार नहीं दिखा है। सैकड़ों गांव बाढ़ से कराह रहे हैं। इन सब के बीच लोग खुद की नाव बनाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब सुपौल का भी हाल देख लीजिए। ये जिला भी कोसी नदी का प्रकोप झेलता है। हर बार की तरह इस बार भी तस्वीरें बड़े आफत की गवाही दे रही हैं। हजारों घर पानी में डूब चुके हैं। बड़ी संख्या में आशियाने उन लहरों का शिकार हो चुके हैं। सुपौल में कोसी की उफनती नदी का रौद्र रूप देखिए।
नदी में उफान से किनारों पर कटान शुरू हो चुका है। नेपाल से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो मुसीबत को बेहिसाब बढ़ा रहा है। हालात तेजी से बिगड़े हैं, ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। मोतिहारी में सड़कों के ऊपर से मानो नदी बहने लगी है। बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है, कहीं कहीं सड़क बह गई है। सुगौली में रिंग बांध टूट गया है, जिससे कई गांवों में शामत आ गई है। थाना परिसर में भी पानी भर चुका है, कई गांव, सैकड़ों घर, स्कूल सब पानी में तैरते दिख रहे हैं। मोतिहारी से सचिन पांडे, सुपौल से प्रेमचंद मेहता, समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, दरभंगा से प्रहलाद कुमार और सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह आज तक। और ये हालात ऐसे नहीं है कि आज ही पैदा हुए। बिहार के लिए बाढ़ बेहद गंभीर समस्या है और कई सालों से ये सच्चाई है। हर साल लाखों की आबादी इस संकट से बर्बाद भी होती है, दो चार भी होते हैं लोग, करोड़ों का नुकसान भी होता है। आखिर सरकार करती क्या है, ये समझ से परे है। बाढ़ तो बिहार का पर्याय बन चुकी है। मॉनसून आता है तो वो अपने साथ ले आता है आफत, तबाही, बर्बादी और मौत। इस बार अब तक राहत की खबर है कि उफनती लहरों ने किसी की जिंदगी नहीं छीनी, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर बिहार में यह संकट गहराता जा रहा है, वो कभी भी जानलेवा बन सकता है। इस बार राज्य के करीब 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक हो चली है। 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। सभी जिलों में मिलाकर करीब 245 पंचायतों में तबाही मची है। वैसे तो प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और 5,000 लोग रिलीफ कैंपों में भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, जितनी आबादी मदद की मोहताज है, उन तक जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं दिखता। नतीजा ये होता है कि हर साल आने वाली बाढ़ में उत्तर बिहार की सांसें फूलने लगती हैं। इन इलाकों में नदियों का जाल बिछा है, वही नदियां अपने साथ लाती हैं तबाही। एक तो मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ जाती हैं, नदी नाले हर जगह लबालब भर जाते हैं। दूसरी आफत बनता है नेपाल, जहां भारी बारिश के बाद पड़ोसी देश पानी छोड़ने लगता है। इस वजह से उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बेहिसाब बढ़ जाता है, राज्य के निचले इलाके डूबने लगते हैं। आपको बताते हैं कि किन नदियों से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट गहराता है। इसमें सबसे अहम है कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और महानंदा। इन सभी नदियों का कनेक्शन सीधे सीधे नेपाल से है, यानी जब भी नेपाल पानी छोड़ता है तो इसका कहर इन नदियों के जरिए उत्तर बिहार पर टूटता है। बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर इन इलाकों में दिखने लगता है। बिहार में बाढ़ पर काबू करने के लिए सरकारें सुस्त रवैये से प्लान बनाती रहीं, उस पर अमल करती रहीं। इसके तहत कुछ नदियों पर बांध बनाए गए, लेकिन अब तक तस्वीर नहीं बदली। बिहार को हमारे पास प्लानिंग, हमारे पास नीतियां सही जगह पर हैं, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए जो आपसी समन्वय चाहिए, चाहे वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का हो और चाहे वो सरकार के अंदर अलग अलग विभागों का हो, उन सबको आपसी समन्वय बनाकर साल भर काम करना होगा, तब जाके हम लोग को कुछ रिजल्ट दिखेगा कि चेंजेस आ रहे हैं। पिछले 40 साल से, यानी 1979 से अब तक
बिहार लगातार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और कुछ इसी तरह की तस्वीर असम से भी आ रही है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी गरज रही है और उसके विस्तार से कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ की इसी त्रासदी को आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है, हमारी टीम लगातार वहां पर मौजूद है, एक एक इलाके की तस्वीर हम आप तक ला रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा गोलाघाट के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बाढ़ से आई बदहाली को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिंदगी पानी में डूब रही है, आशियाना जलमग्न हो रहा है, बाढ़ तबाही की कहानी गढ़ रही है और बेबसी ऐसी कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। असम की इसी त्रासदी के बीच निकल पड़े हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गोलाघाट पहुंचे तो अथाह समंदर की तरह दरिया की गहराई देखी, उसका मिजाज देखा, उसकी रुसवाई देखी, उसके नखरे देखे, उसका गुस्सा देखा, लहरें और पानी का करंट देखा। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा तो कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा खतरे के बीच एनडीआरएफ की टीम के साथ निकल पड़े और इस बाढ़ग्रस्त इलाके में ढेर गांव में हम इस रेकी और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल चुके हैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ, ये देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही बीती रात पानी का स्तर बढ़ा है, गांव में कई सारे लोग पानी कम होने की वजह से नीचे चले गए थे, स्तर फिर बढ़ा है, तो इस ऑपरेशन के जरिए हम ये जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कौन से लोग हैं जो वापस निचले इलाकों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की टीम है जो ये देखेगी कि क्या कोई बीमार है या कहीं किसी तरह से, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण का खतरा है, तो ये देखने की भी कोशिश है कि क्या कहीं किसी को स्वास्थ्य चिकित्सा की जरूरत है ताकि उसे रेस्क्यू करके निकाल के अस्पताल तक या सुविधा केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना के इस संक्रमण काल में एनडीआरएफ की टीम ने खास तैयारी कर रखी थी, पीपीई किट पहनकर, मास्क, फेस शील्ड लगाकर मिशन पर निकल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, और ये सिलसिला जारी है। जहां जहां सैलाब का साम्राज्य कोहराम मचा रहा है, वहां वहां पहुंची आज तक की टीम। लंबा समय हो गया आप लोग को ऑपरेशन में, इतनी कभी गर्मी है कभी बरसात तेज है, तो इसमें गर्मी नहीं महसूस होती इतना मोटा पीपी किट पहनना? गर्मी तो बहुत महसूस होता है, लेकिन हम जनता के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए, खुद के भलाई के लिए हम गर्मी सर्दी हर चीज़ के सामना करना पड़ता है, और इसीलिए हम इसका जो हम सामना करके आए हैं अभी तक और करके भी जाएंगे। कभी कभी डर भी महसूस होता है क्योंकि अब संक्रमण का टाइम है तो गाँव में लोग इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, तो खुद को भी डर लगता है कभी? डर तो सर जैसे हल्का सा तो महसूस होता है, लेकिन इसमें क्या है, हम हर चीज में मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं। बाढ़ की वजह से देश भर में सबसे ज्यादा तबाही असम में ही है। असम में बाढ़ की वजह से 89 लोगों की जान जा चुकी है, 26 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 2500 से ज्यादा गांव में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से त्राहिमाम है। हालांकि लोगों की राहत के लिए 391 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां फिलहाल 45,000 से ज्यादा लोगों का बसेरा है। असम में जगह भले ही बदल जाएं, लेकिन हालात एक जैसे हैं, बेबसी की कहानी एक जैसी है। असम के दक्षिण सलमारा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की कोई सीमा नहीं दिखती, दिखता है सिर्फ उसका विस्तार। एक नहीं, दो नहीं, 72 गांव ब्रह्मपुत्र नदी के उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में है। दक्षिण सलमारा में सामने पानी का बसेरा है और बांध पर चूल्हा चढ़ा है, पेट की आग भी बुझानी है। ऊंचाई वाली जगह पर तिरपाल के टेंट में वक्त गुजर रहा है। जिन बच्चों ने अभी आंखें खोली हैं, वो भी त्रासदी के गवाह बन रहे हैं।
हालात इतने बदतर हो गए हैं कि तबेले के साथ ही दिन और रातें गुजरती हैं। असम के सोनितपुर का भी हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। ऊपर आसमान में मंडराते बादल और नीचे बाढ़ का बसेरा। इंसान जाए तो कहां जाए, कच्चे मकानों में बाढ़ की घुसपैठ है और इंसान घर छोड़ने को मजबूर। बाग बगीचा घर बार सब दरिया दरिया है। असम के दरांग में चलती है नाव तो जिंदगी आगे बढ़ती है। एक टूटी फूटी सड़क है वो भी न जाने कब अपना रास्ता खो दे। असम के लिए आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में राज्य सरकार को बड़े स्तर पर लोगों को मदद करनी होगी ताकि उन्हें सैलाब की वजह से खौफ के साए में न जीना पड़े। गोलपारा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे। सीरिया के आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया और इस बार यह तनाव दो अमेरिकी फाइटर जेट्स के ईरान के यात्री विमान के पास आ जाने को लेकर हुआ। शुरुआती जांच में इजरायली फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात सामने आ रही थी लेकिन बाद में पायलट की जानकारी पर इनके अमेरिकी होने का दावा किया गया है। दरअसल ईरान का एक पैसेंजर प्लेन सीरिया के एयर स्पेस से होकर उड़ान भर रहा था तभी दो फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास आ गए। हादसे से बचने के लिए विमान के पायलट ने ऑल्टीट्यूड बदला जिसके चलते विमान के अंदर कुछ यात्री घायल भी हो गए, कुछ बेहोश होकर विमान के फर्श पर गिर गए। ये विमान तेहरान से बेरूत जा रहा था। फिलहाल ईरान ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो तस्वीरें देखिए, यात्री विमान के एकदम पास आ गए फाइटर प्लेन। ऑल्टीट्यूड बदलने से लोगों की जान बचाई जा सकी। हालांकि लोगों के जहन में खौफ, क्योंकि जो तस्वीरें विमान के अंदर की आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है किस तरीके से लोगों के जहन में डर खौफ है। यात्री विमान जिसके पास आ गए फाइटर जेट्स, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ठीक 8 बजे खबरें सुपरफास्ट देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।